अरहर की फसलों पर कीटों का अटैक बढ़ता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में किसानों की समस्याएं हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले बेमौसम बारिश से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, वहीं अब बीड जिले में अरहर की फसलों पर कीटों का अटैक बढ़ रहा है। भारी बारिश से कुछ किसानों की फसल बच तो गई थी, लेकिन अब कीटों के हमले से बर्बाद होने की कगार पर है। किसानों का कहना है कि जिले में अब अरहर की फसल में फूल आ गए, तभी फसलों पर पत्ती चूसने वाले कीड़ों ने हमला कर दिया, जिससे कि उनकी फसल को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जिले में इस समय तुअर की फसल पूरी तरह से लहलहा रही है, लेकिन इस साल तुअर की फसल पर भी लीफ रोलिंग इली का प्रकोप होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। इस साल जिले में किसानों ने तुअर की खेती पर सबसे ज्यादा जोर दिया। किसानों को इससे अच्छी आमदनी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इस समय फसलों पर कीटों के बढ़ते प्रकोप के कारण किसानों को महंगी दवाइयों का छिड़काव करना पड़ रहा है, जिससे उनकी लागत बढ़ गई है। ऐसे में जिले के किसान फिलहाल कृषि विभाग से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें मदद नहीं मिल पाई है। राज्य से किसान इस समय संकट का सामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।